साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वॉन्ट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव विच इज करोडिंग आर सोसाइटी। दैट वॉज द आइडिया। आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। वी आर नॉट अपोज टू एनी ऑफ दीज एंकर्स, वी डू नॉट हेट एनी ऑफ दीज एंकर्स, बट वी लव आर कंट्री मोर। हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में नहीं, ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, यह हमारा मानना है और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है कि वक्त ऐसा नहीं रहेगा, हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।